वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीएफ विद राजेश सर। स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी के डिराइवेटिव वाले पोर्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 15 करेंगे बच्चों, जो कि बेस्ड है लॉगरिथमिक फंक्शन पे। पिछले वाले वीडियो में हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन पे दो क्वेश्चन किए थे, आज फिर दो क्वेश्चन और करेंगे ताकि चीजों को अच्छे से सीख पाए, ठीक है। तो जो बच्चे नए आए हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि पहले इस वीडियो को देखने से पहले जो पीछे के वीडियोस हैं वो आप जरूर देख लें, और उसके लिए आप नीचे चैनल का नाम दिया हुआ है वहां पे क्लिक करके चैनल पे चले जाएं और प्लेलिस्ट पे टैप करके कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी प्लेलिस्ट को क्लास 12th जो लिखा हुआ है उसको आप सर्च करके वहां पे लेक्चर 1 से वीडियोस देख सकते हैं। तो बच्चों आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दो क्वेश्चन ये बच्चों दोनों मैंने प्रीवियस वीडियो में कराए थे, तो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक। अब बच्चों मैंने कहा था कि लॉग फंक्शन का यूज तीन जगह पे हम लोग करते हैं। पहला कहा था कि जब वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल वो पावर वहां पे यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कभी हम लोग पहले वाले में देख नहीं पाए थे। दूसरा मैंने ये बताया था कि अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इन द सेंस कि कई सारी चीजें मल्टीप्लाई है, फिर कई सारी चीजें मल्टीप्लाई है, फिर डिवाइड है, फिर स्क्वायर रूट है, ऐसे केसेस में लॉग ले लेंगे। फिर तीसरा बताया था कि अगर वेरिएबल के पावर है, फिर पावर है, फिर पावर है, फिर पावर है, अप टू इनफिनिटी तक है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग लॉग लेंगे। तो एक हम लोग सीख लिए थे पिछले वाले में, कॉज वाला था, तीन फंक्शन थे, तीनों इनटू में थे, ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सीख लिए थे। आज हम लोग सीखेंगे दूसरा टाइप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल अगर रहेगा तो हमारे दिमाग में यही जाना चाहिए कि इसको और किसी से नहीं बल्कि किससे बनाना है, आपको लॉग के से बनाना है, ठीक। तो चलिए पहला ले लेते हैं, या पहले डी लेते हैं क्योंकि डी थोड़ा सा लेंदी है, तो पहले डी ले लिया जाए, ठीक है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, पेन और पेपर के साथ बैठेंगे, मैं पहले ही कह देता हूँ पेन और पेपर के साथ। तो देख पा रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर क्या है, वेरिएबल है। तो बच्चों ये बड़ा सा फिगर दिख रहा है, तो पहले हम इसको छोटे छोटे में कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं इसको u और इसको क्या मान लेते हैं v, और इन दोनों का डिफरेंशिएशन यानी du by dx और dv by dx यहाँ पे रख देंगे तो काम हो जाएगा। तो चलिए आइए u को कर लेते हैं पहले। तो u दिया है बच्चों y sin x, यानी x के पावर sin x। तो यहाँ बच्चों हमको क्या करना है कि वेरिएबल के ऊपर क्या आ गया, वेरिएबल यानी क्या लगेगा, लॉग लगेगा, ठीक। यही चीज डेवलप करनी है दिमाग में, तो क्या हो जाएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखिए और लिखते भी चलिए, तो ये क्या हो जाएगा लॉग वाई, फिर कितना हो जाएगा साइन एक्स आ जाएगा इधर लॉग एक्स, कोई दिक्कत बच्चों, एक स्टेप मैंने मिस किया है, कर देते हैं, पहली बार है दिक्कत होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए, तो ये है एक्स सॉरी log x के पावर साइन एक्स। अब आपको पता है कि log के x के पावर जैसे होता है m या a के पावर m, तो बाहर पावर आ जाती है, वही चीज हमने कर दिया। log y इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन x इनटू log x, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब ये देखिए किससे बनेगा बच्चों, प्रोडक्ट रूल से बनेगा, बनाएंगे यहाँ पे परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो इसको करेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है बच्चों, लिखते चलिएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, ये लिख रहा हूं मैं विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x। तो मैंने ये प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इसको x सपोज करके करेंगे, लेकिन लिखेंगे क्या y, तो log y है, y को क्या सपोज करेंगे x, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, लेकिन x हमने सपोज किया है किसको, y को, इसलिए क्या लिखेंगे y, फिर क्या हो जाएगा dy / dx। अब इसमें प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन लग रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन बच्चों हम लोग सीखे हैं क्लास 11th में, तो लगाइए जल्दी बताइए आप लोग क्या होता है, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, दूसरे से इनटू प्लस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन और पहले से इनटू, ठीक है बच्चों, यही तो पढ़ा है हमने। अब ये 1 अपॉन वाई डी वाई, वाई नहीं लेना है बच्चों, हम लोग क्या लेना है, यू लेना है, ठीक है, तो यू ले लेते हैं क्योंकि डी यू बाई डी एक्स हमको पता करना है। तो डी यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, तो साइन एक्स का बच्चों क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ये इंटू लॉग एक्स, और log x का बच्चों हम लोग पढ़े कितना होता है 1 अपॉन x, क्या हो जाएगा sin x, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए आइए। तो ये हो जाएगा log cos x log x प्लस sin x अपॉन क्या है x। अब बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए u डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा इंटू कर देगा, तो u इंटू कर दिया। अब u की वैल्यू कितनी है बच्चों, x sin x, तो
हम पूरा इसका डिफरेंशिएशन इधर लिख देते हैं क्योंकि बाद में हमको रखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे लिख लीजिए du by ds, आपकी कॉपी बड़ी होगी तो इसलिए दिखेगा। तो u की वैल्यू हम पहले रखा है, तो u की वैल्यू बच्चों कितनी है, s के पावर sin x, और फिर ब्रैकेट में क्या जाएगा बच्चों, sin x upon x, ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, sin x upon x plus ये क्या है बच्चों, cos x into log x, तो ये हो गया cos x और क्या हो गया log x, ये ब्रैकेट हमने क्या कर दिया बंद, ये किसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक। अब हम इसी तरीके से किसका बनाएंगे बच्चों, v का बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए जब तक मैं इरेज कर रहा हूं तब तक आप लोग v का बनाने की कोशिश करिए, ठीक है बच्चों, चलिए। तो v को आप लोग ले लीजिए और बनाने की कोशिश करिए, ठीक है, जल्दी करिए। du by ds मैंने रख दिया है, बस वहीं को फिल कर देना है वहीं पे। तो जब आप v लिए होंगे तो v हमारा क्या है बच्चों, साइन एक्स के ऊपर कॉस एक्स है, तो हम क्या करेंगे कि इसको लॉग ले लेंगे, तो टेकिंग लॉग, सारा प्रोसीजर वही रहेगा, बोथ साइड साथ साथ करते चलिए बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा लॉग वी, फिर एक लाइन और लिख देते हैं आप लोगों की खातिर, तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स के पावर क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस एक्स, कॉस एक्स आगे आ जाएगा लॉग वी क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। तो यहाँ पे फिर बच्चों क्या बन रहा है, एक प्रोडक्ट रूल फिर से बन रहा है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लॉग के साथ साइन है, यानी चेयर रूल भी लगेगा, ठीक है बच्चों। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसीलिए मैंने कहा था बच्चों कि चेयर रूल आपका पीछा छोड़ेगा नहीं, इसीलिए मैंने उस पर तीन क्लास ली है बच्चों, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसको किस तरह से मानेंगे, एक्स की तरह मानेंगे, लेकिन लिखेंगे क्या बाद में भी, तो log x हो गया तो लिखेंगे क्या, वन अपान एक्स, यानी वन अपान वी, फिर क्या हो जाएगा बच्चों, डी वी बाई डी एक्स। अब क्या होगा, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी cos x, दूसरे से इंटू log sin x, फिर क्या लिखेंगे बच्चों, पहले दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी log sin x, और फिर क्या करेंगे, पहले वाले से इंटू, ये हो गया ठीक। तो cos x का डिफरेंशिएशन बच्चों को पता है कितना है, माइनस साइन एक्स, इससे इंटू कर देंगे किसको बच्चों, log sin x है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, अगर log x रहता तो हम आराम से बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको बनाना है तो अलग से बना लेते हैं, तो मान लेते हैं कि u है, तो log sin x, तो हम sin x को बच्चों क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, क्योंकि यही दिक्कत कर रहा है, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया sin x, तो बताइए u इज इक्वल टू कितना हो गया log t। अब ये किस में है बच्चों, t में है, डिफरेंशिएशन du by dt कितना हो जाएगा, वन अपॉन t, t की जगह पे कितना माने है बच्चों, sin x रख दिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो t माने हैं इसका भी क्या करना है, डिफरेंशिएशन, तो ये t जो है हमारा अभी यहाँ पे कर दे रहे हैं, फिर मिटा देंगे, ठीक है, आप लोग भी करते रहिएगा sin x। अब फिर क्या हो जाएगा, dt by ds बताइए बच्चों कितना हो जाएगा, cos x, यानी कि ये जो डबल स्टार है और ये जो स्टार है, ये इन दोनों क्या करना है, इंटू करना है, तो उससे हमारा क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा, ये जो माने हैं जो, तो du by dx आएगा बच्चों कितना आएगा, 1 upon sin x इंटू क्या आ जाएगा, cos x, तो cos x upon sin x कितना हो जाएगा बच्चों, cot x, यानी इसकी वैल्यू बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन आप लोग यहां पे मैंने कर दिया है चेन रूल से, ठीक है, चेन रूल से मैंने कर दिया है, कितना आ गया cot x, तो ये हो गया cot x इंटू कितना है cos x, या फिर ये कितना आएगा बच्चों, cos x, ठीक है, इतना ही रख देते हैं। अब इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, ये तो साइड वाला है। अब क्या करते हैं हम, बस v यहाँ पे मल्टी डिवाइड कर रहा है, इधर क्या जाएगा मल्टीप्लाई, तो dv by dx कितना हो जाएगा v, तो v इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पहले एक प्लस वाला लिखते हैं, अच्छा लगेगा देखने में, cot x इंटू cos x, माइनस क्या हो जाएगा sin x log sin x, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया dv by dx, हमने क्या कहा कि du by dx निकाल लेंगे और dv by dx, तो ये आ गया, इसको हम किसमें ऐड कर देंगे बच्चों, इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्लियर है, यानी कि ये और ये दोनों हमको क्या कर देना है बच्चों, ऐड कर देना है, समझ में आ रहा है बच्चों। तो जब इस तरह का आपका कॉम्प्लेक्स दिया हो, जैसे बड़े बड़े दिए हो, तो आप उनको क्या करेंगे, तोड़ तोड़ के अलग अलग वेरिएबल में इवेल्युएट कर लेंगे डिफरेंशिएशन, फिर इन डिफरेंशिएशन को अगर आपके पास ऐड करने के लिए दिया है तो ऐड कर देंगे, डिफरेंस माइनस करने के लिए दिया रहेगा, डिफरेंस करने के लिए रहेगा तो डिफरेंस कर देंगे, ठीक है बच्चों, ठीक। अब करते हैं सी वाला, सी वाला इसके कंपेरिजन में क्या है, आसान है, तो चलिए सी वाला बच्चों नोट करिए, तब तक मैं इरेज कर रहा हूँ और एक मिनट का आपको टाइम दे रहा हूँ। चलिए बच्चों सी वाला क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स के पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, चलिए बच्चों
चलिए थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, लेकिन उसको बनाइए, ताकि आप बनाएंगे तभी तो आपको आएगा। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आप लोग बनाते रहिए। ठीक, इधर भी रेस कर दे रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ बच्चे कम से कम पहला वाला पोर्शन तो बनाए ही होंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम और ले लीजिए, बनाइए। लेकिन ठीक है बच्चों, चलिए, अगर जिसको लग रहा है कि थोड़ा जल्दी सर बताने लगे हैं, तो वो क्या करे, अभी भी वीडियो को पॉज करे और खुद से करने की कोशिश करे। जब वो कर लेगा, अपना टाइम ले लीजिए, 4 मिनट 5 मिनट जितना भी, करने के बाद फिर मैच कराइए यहाँ पे जो किया जा रहा है। ठीक है, तो आइए बच्चों, हमने कहा कि फिर ले लिया गया, तो इसको यू मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, वी। इसका भी डी यू बाई डी एच निकाल देंगे, इसका क्या करेंगे, डी वी बाई डी एच। ठीक, तो चलिए, तो u इज इक्वल टू है कितना बच्चों, साइन एस के पावर क्या है, यक्स, यानी फिर वेरिएबल के पावर क्या आ गया, वेरिएबल। क्या करना है हमें, लॉग लेना है। चलिए लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है बच्चों, तो चलिए ले लेते हैं, तो ये कितना हो गया, लॉग u, ये क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स के पावर क्या हो जाएगा, यक्स, फिर पावर इधर आ जाएगा, तो यक्स लॉग साइन एक्स। ठीक है बच्चों, अब फिर इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, कई बार यही चीज आ रही है, वन अपॉन यू डी यू बाई डी यू, अब तो आदत हो गई है। ये क्या है, फिर वही प्रोडक्ट रूल से बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे से इंटू, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले से इंटू, ठीक है, और पहले का इंटू। ठीक है बच्चों, तो इसका यक्स का कितना हो जाएगा बच्चों, 1 डायरेक्ट लिख दिए log sin x। अब बच्चों मैं इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे कि आप अलग से करेंगे चेन रूल लगा के, ठीक है, और बताएंगे कि जो मैं डायरेक्ट लाया हूँ उतना आप ले आ पाए हैं कि नहीं। तो इसका बच्चों हो जाएगा माइनस cot x, कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस cot x इंटू यक्स। आप देखिए बताइएगा कि आप इतना ला पा रहे हैं कि नहीं। फिर हमको क्या है, डी यू बाई डी एक्स चाहिए, तो u इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 1 अपॉन u डी यू बाई डी एक्स है, तो u से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, u कितना है बच्चों, साइन x के पावर क्या है, x, और ये आपका क्या है, log साइन x, फिर कितना है, cot x, और x आगे कर देते हैं, इसको मान लेते हैं पहला, क्योंकि ये पहले और दूसरे को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर हो बच्चों, ये वाला बताएंगे log साइन x का डिफरेंशिएशन माइनस cot x आ रहा है या नहीं। अब v वाला लेते हैं, तो v वाला इधर पर लेते हैं, तो ये कितना हो गया, साइन इनवर्स रूट एक्स। तो बच्चों हमको साइन इनवर्स एक्स का पता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यक्स की जगह क्या दे दिया है, रूट एक्स, यानी ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो प्रॉब्लम कर रहा है तो हटा देते हैं इसको। तो लेट t इज इक्वल टू कितना हो गया, रूट एक्स। अब रख के देख लेते हैं, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स t। अब हमको dv बाई dt पता है बच्चों, कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस t स्क्वायर अंडर रूट होता है, ठीक है, ठीक, x स्क्वायर होता है, रख दिए। अब 1 माइनस टी की जगह बच्चों कितना है, रूट एक्स का क्या है, होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का, 1 माइनस एक्स होल, 1 माइनस एक्स अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक, ये हुआ स्टार आपका, लेकिन आपको इसको भी करना है, टी जो माने हैं, तो मैंने कहा है कि आप रट लोगे कि क्या होता है इसका, क्योंकि ये बार बार जरूरत पड़ेगा, यानी इसका हो गया, ठीक, इतना। तो स्टार और डबल स्टार को क्या करना है, इंटू करना है, तो यहां लिख लेते हैं, तो dv by dx बच्चों कितना आ गया, स्टार कितना है आपका, 1 अपान 1 माइनस एक्स, ठीक है, और ये डबल स्टार कितना है बच्चों, 1 अपान 2 रूट एक्स। ठीक है, तो ये दोनों इंटू कर लेते हैं रूट को रूट में, ताकि क्लियर हो जाए हमारा। तो ये हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा आपका x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया dv by dx। तो पहले और दूसरे को ऐड करके लिख देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहाँ पे हमने देखा लॉग आ गया, यहाँ पे चेन रूल के साथ ITF आ गया, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में फिर हमने से सीखा लॉगरिथमिक फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो जो बच्चों आएगा, उसमें फिर हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन ही करेंगे, क्योंकि बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस पे जितने बेस्ट टाइप हैं
वो सारे के सारे आप अच्छे से कर लो। तो इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन हैं और प्रीवियस वीडियो के जितने क्वेश्चन हैं, मैं यही चाहूंगा बच्चों कि आप उनको फिर से अपने से लगाएं, ठीक है, ताकि अपने से लगाएंगे तो आपको चीजें अच्छे से आएंगी। फिर जब इतना लगा लेते हैं तो आप अपने टेक्स्ट बुक या फिर दूसरे के और टेक्स्ट बुक से और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड लगाएंगे, तभी आपको आएगा। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं लेक्चर 16 में लॉगरिथमिक फंक्शन के एक और नए टाइप के साथ। तब तक धन्यवाद।